हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हो आप उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होगे स्वस्थ होगे मस्त होगे एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल में तो उस दिन है सैटरडे और तारीख है चौबीस अगस्त तो और सुबह सुबह के लगभग इस वक्त सात बजे करीब टाइम था और साफ सफाई पूजा पाठ नहाना धोना जो सारा काम है जो मेरा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद बस मैं आ गई थी फटाफट से घर वाला जो मंदिर है यहाँ पे दिया बाती करने के लिए तो जी यहाँ पे जो मेरी दिया बाती है कम्पलीट हो चुकी है तो चलिए फटाफट से अब आज आते हैं किचन में क्योंकि आज सैटरडे है तो आज लड्डू के स्कूल में ना फंक्शन भी है क्योंकि सोमवार की जैसे वो है ना जन्माष्टमी तो सैटरडे को ना आज थोड़ा सा फंक्शन है तो मैम ने बोला था ना उसको खाना जी बना मतलब बना के ही भेजना है तो इस वजह से ना मैं फटाफट से लगी हुई थी सारा काम करने में कि मतलब उसके उठने से पहले ना सारा काम धाम है मैंने अपना सेंट लिया तो समेट लिया वरना वो उठ गया ना फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से बस फटाफट से मैं आ गई थी किचन में और मेरे को बनाने थे आज छोले की सब्जी जिसको मैंने रख दिया था कुकर में ताकि इसमें फटाफट से सीटी वगैरह जाए इतना मैं आटा वगैरह लगाऊँ पूरिया वगैरह बनाऊ तो मतलब पूरी वगैरह बनाने का कोई वो नहीं था तो फिर मतलब आटा वगैरह लगाया ना छोले की सब्जी थी तो मेरा ना मन कर गया अभी पूरी वगैरह बनाने का तो इस वजह से बस मैं फटाफट से लगी थी पूरिया वगैरह बनाने में और क्या है ना मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता पूरिया वगैरह बनाने में इतना मैंने मतलब आटा वगैरह लगाया ना और साथ ही साथ मतलब कढ़ाई में ना तेल डाल के रख दिया था और इतना मैंने आटा लगाया ना तेल मेरा ना गर्म भी हो चुका था तो बस फटाफट से उसके बाद है ना एक के बाद एक है जो गर्म गर्म पूरी है जो मैंने बना ली है और साथ में छोले इसमें भी सीटी वगैरह आ गई थी तो यहाँ पर

जाने के बाद यहाँ पे मैं लगी हुई थी सब्जी वगैरह बनाने का तैयारी करने में मतलब छोंक की तैयारी करने में और यहाँ पे मैंने ना साथ में गैस पे रखी थी चाय बनने के लिए तो जी यहाँ पे मैंने ना हींग का और जीरे का छोंक लगाया और मिक्सी के मिक्सी के अंदर ही मतलब जो प्याज और टमाटर है ना तो इनको ना मैंने पीस लिया था तो जी यहाँ पे ना प्याज अच्छे से जैसे फ्राई हो गई थी तो उसके बाद जो टमाटर का जो पेस्ट है मैंने मिक्सी में तैयार किया था ना उसको मैंने डाल दिया और इसको ना अब मैं ढक करके रख दूँगी बन पकने के लिए क्योंकि अभी इसको पकने में ना टाइम लगने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर ना मेरी चाय है जो मतलब बनकर तैयार हो चुकी है तो चलिए इतना मसाला रहा है छोले है जो उसमें सीटी वगैरह आ गई थी और यहाँ पे चलिए इतना आराम से बैठ के ना चाय वगैरह अपना पी लेते हैं लड्डू को तो अभी हस्बैंड जी ना मतलब स्कूल से छोड़ के अभी आए थे तो यहाँ पे ना चाय मैंने इनको दे दी थी और मैं भी बस अपनी चाय ले आई थी तो जी चलिए बस अभी थोड़ा सा ये टाइम होता है जहाँ पे ना हम 10-15 मिनट मतलब 20-25 मिनट भी हो जाते हैं कभी कभार जैसे बैठते हैं जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती है तो सुबह जल्दी उठने का ना बस यही फायदा होता है वरना क्या होता है ना मतलब अगर हम थोड़ा सा जैसे लेट उठ जाते ना हड़बड़ी हड़बड़ी में सारी चीज़ें ना मैनेज करनी होती है तो जी बस यहाँ पर ना लड्डू जा चुका था स्कूल में और साढ़े बजे का ही टाइम था तो यहाँ पर बस हम बैठ गए थे जसमिन जी और मैं और मायरा रानी भी है बैठी थी चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद बस मैं आ गई थी फटाफट से किचन में एक बार फिर से और यहाँ पे जो आप मसाला देख सकते हैं जो प्याज मटर का मसाला था ना तो ये अच्छे से मतलब भून चुका था और तब इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैंने ना किया कि थोड़े से बर्तन थे सिंक में चाय वगैरह पी थी ना तो उनको भी मैंने धुल दिया था और यहाँ पे एक साथ ही साथ एक गैस पे रख दिया था दूध ताकि ये भी ना फटाफट से बॉयल हो जाए और फिर ठंडा होने में भी टाइम लगेगा फिर इसको फिर मैं बाद में ना फ्रिज में रखने वाली हूँ ताकि अच्छे से इसके अंदर जो मलाई वग़ैरह आ जाए तो इसके बाद है खाना वगैरह हमने खा लिया था और हस्बैंड जी अपना निकल दिए थे अपना ऑफिस के लिए और क्या है कि यहाँ पे ना बस ये मेरा भी खाना पीना हो चुका था और मैं आ गई थी रूम में क्योंकि बस ये रूम है ना ये फैला रहता है सबसे लास्ट में इसी का ही नंबर आता है तो बस मैंने महाराणी को बैठा दिया था ऊपर ताकि आराम से बैठ जाए और मेरे को ना बेड शीट को आज चेंज ही करना था तो एक बार तो सोच रही थी मैं बिछा दूँ तो फिर मैंने मन किया कि फटाफट से ना मतलब चेंज ही कर देती हूँ इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और ये थोड़ी सी ना गंदी भी हो चुकी थी तो बस मेरा मन कर गया था चेंज करने का और क्या होता है ना जैसे हम बेडशीट वगैरह चेंज करते ना तो हमारा रूम का जो नक्शा है पूरा लुक है ना चेंज हो जाता है मतलब अच्छा अच्छा भी लगता है तो बेडशीट से ही मतलब थोड़ा सा रूम की डेकोरेशन है ना मतलब बढ़ जाती है तो इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई है ना और कितना मतलब अलग लुक हो गया है रूम का और क्या ना मतलब ये वाली बेडशीट है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो बस थोड़ा सा अरेस्ट वगैरह मैंने अपना किया और उसके बाद बस मायरा नानी को भी मैंने नहला दिया था यहाँ पे रेडी शेडी कर दिया था और अभी मैंने इसको सुलाया नहीं था इसके साथ नहीं मैं मस्ती वगैरह ही कर रही थी तो अभी ना ये बोल रही थी नहा के ना रेडी शेडी हुई तो मम्मी बोल रही कि मम्मा मेरे को ना सैंडल पहनाओ और सैंडल पहनने के बाद ना बस ये बोली मेरे को नीचे जाना है मेरे को ना नीचे छोड़ के आओ तो बस इसी को ना मैं नीचे जा रही थी छोड़ने के लिए मम्मी जी के पास ताकि क्या ना मतलब ये खेल भी ले इसका ध्यान खेल में लग जाएगा ना तो ठीक है वरना ये सो गई नहीं फिर इसका भाई आता है ना फिर ये ना उठ जाते है कच्ची नींद और फिर मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा ये परेशान करती है तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इस ना सोए तो बढ़िया है तो बस महाराणी चली गई थी नीचे और यहाँ पे ना आज मेरा मन कर रहा था कि अपनी चूड़ियों का ना थोड़ा सा लुक भी इनका भी चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हाथ है ना नजर आए तो जी यहाँ पे बस मेरा ना मन कर रहा था कि ये अल्लाह वाली चूड़ियाँ मैं पहनूँ क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनी थी तो अभी सामान के बाद आता है ना भादवा जैसे जो महीना बोलते हैं तो फिर मैंने सोचा चलो ना पीली वाली चूड़िया जैसे पहनती हूँ तो बस मैं महीने को लगी थी पहनने में और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उसके बाद बस मैं आ गई थी फटाफट से स्कूल में लड्डू को लेने के लिए और क्या है आज थोड़ी सी उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी और मैं आई थी डेली वाले टाइम से तो देख सकते हो आप यहाँ पे ना बस ये ही एक ऐसा शख्स था जो मतलब कान्हा जी की ड्रेस में नहीं था बाकी सभी कोई राधा कोई मतलब कान्हा जी सारे है जो कुछ ना कुछ बच्चे है ना मतलब बन के आए थे बस ये सिंपल ड्रेस में था तो मैंने ना इसको बहुत बोला बेटा पहन ले पहन ले तो इसने ना बिल्कुल भी नहीं पहनी और अभी घर जाते वक्त तो ना मैं इससे बातें कर रही थी भाई क्यों नहीं पहनी है सभी सुंदर सुंदर बन के आए थे ना बस आप ही नहीं थे तो फिर बोला मम्मा अब पहन लूंगा मम्मा अब क्या करेगा पहन के अब तो मतलब पहने का तो मंडे को ही पहनेंगे लेकिन ये ना पहनता नहीं है जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म हुई या फिर जैसे कुछ भी जैसे अब पंद्रह अगस्त था तो ये यूनिफॉर्म आती है ना फौजी वाली पुलिस वाली तो ये बिल्कुल भी, भी नहीं पहनता है पता नहीं क्या है इसका तो घर वाले कपड़े ही पहन के ना खुश होता है और यहाँ पे ना पूरी दूर जैसे ना घर पे मतलब मेरी गोदी गोदी में ही आता है और मेरा जो चेहरा है ना मतलब पसीने से ना मेरा बुरा हाल हो गया था इस टाइम पे तो वीडियो में ना इतना अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था लेकिन है ना इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब लगती है बच्चों को जैसे गोदी वगैरह लेके आते हैं ना और क्या है कि ना अब ये थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका है तो ना अब थोड़ा सा थकान हो ही जाती है मेरे को भी इतनी दूर जैसे गोदी वगैरह लेके आती हूँ और घर आते ना इसको पता नहीं किस चीज़ की चिड़ हो गई थी तो ये ना रोने लग रहा था तो जी बस मम्मी बैठी थी अपनी ये सीवियाँ वगैरह अपना लगी हुई थी तोड़ने में और उसके बाद बस ये दोनों बच्चे चल लिए थे ऊपर ये लिए थे मम्मी जी ने अनार और जो नाशपाती जो होती है बब्बू गौसा तो बस ये लिए थे तो फिर बच्चों को क्या होता है कि देखने के बाद सब्र तो इनसे होता नहीं है फिर तो बस यही रहता है मम्मी इनको छील दो तो हमको खाना है हमको छील दो तो हमको खाना है तो बस आज इनको ये दिख गए थे तो ठीक है वरना क्या है ना ये चिप्स बिस्किट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रोता है तो अब इसको ये दिख गए थे अनार तो बस मैं लग गई थी लड्डू के लिए यहाँ पे ना अनार वगैरह छीलने में तो बस उसके बाद फिर इन दोनों को मैंने दे दी और क्या है ना मतलब एक प्लेट में भी देती हूँ ना तो इन दोनों का झगड़ा होता है वो अब लड्डू बोलेगा मेरे को दे मायरा रानी बोलेगी मेरे को दे तो इनको ना कुछ भी चीज़ देनी होती है ना अलग अलग प्लेट में ही देनी होती है दो छोटे बच्चे ना ये स्टार्टिंग से नहीं ऐसे ही करते हैं और मेरे को हंसी भी आती है और कभी कभार ना फिर ये ना गुस्से में जैसे बड़ा है तो बड़े होने का थोड़ा सा रोब होता है ना तो मायरा रानी का ना, ना, ना डांट भी लगाने लग जाता है तो फिर इसको ना थोड़ा सा डांट मेरे को लगानी होती है तो फिर इनको समझाना भी पड़ता है तो बस लास्ट में मैंने इन दोनों को ना अलग अलग प्लेट दी ताकि ना ये आराम से खा ले तब जाके आराम से बैठे और अपना इन्होंने खाया पिया आराम से वरना क्या ना बड़ा मतलब इनका ना यूँ दूसरे शुरू हो जाता है सो so बस इसके बाद जो बच्चों का खाना पीना अपना हो चुका था स्कूल से आने के बाद बस इन्होंने अपना फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे तो स्कूल में तो इन्होंने मतलब खा ली थी पूरिया वगैरह लड्डू ने पता नहीं स्कूल में जैसे और जो दूसरे बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ भी बच्चे क्या होते हैं खाना वगैरह शेयर कर लेते हैं तो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है तो लेकिन लड्डू ने ना टिफिन अपना बिल्कुल फिनिश कर रखा था तो इसका डेली टिफिन है एक बार ना मेरे को चेक करना होता है कहीं इसमें कुछ ना हो तो बस इसका टिफ़िन बिल्कुल मतलब साफ कर रखा था इसने अच्छे से खा पी रखा था तो जी बस यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए और क्या ना अब ये दोनों बच्चे सोने वाले तो है नहीं है तो मायरा को अगर नींद भी आती होगी ना तो अपने भैया को देखे ना बिल्कुल भी सोती है तो बस इन दोनों के ना ऐसे ही मस्ती चलती रहती है तो थोड़ी सी ही मैंने ना रिकॉर्ड की थी और उसके बाद बस मैंने ट्राईपोर्ट पर लगा दिया था फोन को तो अभी यहाँ पे ना इस तरीके से मैं ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करी थी क्योंकि यादें थोड़ा सा देखेगी ना भाई बच्चे बड़े हो गए हाँ अभी हम ऐसे खेलते थे मम्मी जी के साथ तो मतलब अच्छा लगता है तो मेरे को अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा इसलिए ना मैं अपनी थोड़ी सी ना मेमोरी वगैरह अपना स्टोर कर लेती हूँ फ़ोन में ताकि यादें भी रहे हम कभी भी जब भी जी चाहेगा ना मतलब हम अपना ना फोन को कभी भी मतलब देख सकते हैं इन फ्यूचर में तो जी बस यहाँ पे ना माँ बच्चों की मस्ती चली हुई है और क्या ना मतलब मैं ना डेढ़ से दो घंटा ना ऐसे ही खेलते रहते हैं मतलब तो इन्होंने मतलब ऐसे ही है ना मतलब कभी कुछ कभी कुछ मम्मा कभी कुछ और कभी फिर इनको ना भूत चढ़ जाता है कि नोटबुक दो मेरे को काम करना है या फिर टीवी का जो मतलब तो जैसे भूत चढ़ जाता है तो फिर बच्चे होते हैं ना मतलब एक चीज़ के लिए जिद कर ली तो वो चाहिए चाहिए होती है तो थोड़ा सा ना इनको समझाना भी होता है लेकिन ये मानने वाले नहीं है लेकिन इनको समझाना तो होता ही है तो जी बस इस वजह से ना मैं इनके साथ ना ऐसे मस्ती वगैरह करती ना तो फिर इनको ना कुछ याद नहीं आता ना बुक्स ना टीवी वगैरह कुछ नहीं याद आता बस फिर तो ना इनको मम्मी के साथ ही मस्ती करनी होती है तो जी बस इनको ना मैं थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करने के लिए इनके साथ है ना ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करती हूँ और क्या होता है ना माँ और बच्चों का बॉन्ड भी थोड़ा सा ना मजबूत होता है इसलिए ना अपना कीमती टाइम है बच्चों के लिए हमें जरूर निकालना चाहिए अपने टाइम में से बिल्कुल तो जिसके बाद यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से साढ़े तीन बजे करीब तो मम्मी के लिए मैं बना लेती हूँ यहाँ पे चाय और और उसके बाद है फिर मैं ने अपने लिए भी चाय वगैरह बनाई बच्चों को खिलाया पिलाया थोड़ा सा पूरी वगैरह रखी थी तो वही मैंने ना इनको खिलाई थी तो थोड़ा सा फिर बाहर गली में गए थे खेलने के लिए और उसके बाद बस बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और मेरे पास ना ये दूध रखा था काफी दिनों का तो फिर मैंने सोचे चलो भी ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं फिर क्या ना मतलब ये ज़्यादा टाइम है ना चलता नहीं है तो ये सूखा वाला दूध जो आंगनबाड़ी से बच्चों के लिए मिलता है हमारे यहाँ पे तो बस यही रखा था तो फिर मैंने सोचे चलो भी इसको ना इस्तेमाल कर लेती हूँ तो जी यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में ले लिया था मतलब एक गिलास दूध ले लिया था तो इसको ना मैं अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी पंद्रह बीस मिनट और ये जब अच्छे से उबाल इसमें आ जाएगा ना मतलब आ जाता है तो जो सूखे वाला दूध है ना तो इसके अंदर मैं मिलाऊँगी धीरे धीरे से और फिर इसके अंदर ना पानी मेरे को ऐड करना है और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रहेगी कि मैंने ना इसमें गर्म पानी ऐड नहीं किया मैंने ना इसमें ठंडा पानी ही ऐड कर लिया था मतलब तो थोड़ी सी ना इसमें जैसे गाठ सी बन गई थी अगर थोड़ा सा गर्म पानी में डालते ना तो फिर इसमें ना गाठ नहीं मतलब बनती और अच्छे से ना इसके अंदर मतलब घुल जाता और क्या है ना मतलब अभी इसको हिलाते रहो हिलाते रहो ऐसे ही मतलब एक घंटा लग गया था मेरे को ना इसको आराम से ऐसे घुमाते घुमाते तो तब जाके ना लास्ट में ना मेरी ये सूखे दूध की जो बर्फी है ना मतलब बनकर तैयार हुई थी और क्या है कि एक घंटे के बीच में ही मतलब लड्डू भी उठ चुका था और इसके भी इतने सारे सवाल जवाब मेरे से हो गए थे और मैं रानी भी उठ चुकी थी तो इसके साथ भी मैंने ना मस्ती वगैरह की पास में भी बैठी ये नीचे भी खेली तो मतलब एकदम से दूध की जैसे हम कुछ भी बनाते हैं जैसे मावा वगैरह बनाते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है देखो तो फिर थोड़ा सा ना फिर बच्चों को भी देखना होता है और इनको ना सिर्फ मम्मा मम्मा ही चाहिए होती है और क्या ना मतलब ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि एक से सवा घंटा ना मैं जैसे खड़ी रही गैस के पास ही और गर्मी से ना मतलब बुरा हाल हो चुका था और क्या है कि ना मैं रानी को बोल रही थी बेटा नीचे खेल ले फर्श पे लेकिन ये भी है ना मैडम है ना स्लीपे ही इसको बैठना था ये नीचे बिल्कुल भी नहीं खेलनी फर्श पे तो मैं तो जैसे गर्मी में मरी तो मरी ये साथ में ये भी मैडम जी है ना गर्मी में और इसको ना बहुत ही ज्यादा पसीने वगैरह आते हैं मेरे से भी ज़्यादा ना इसको ही आते हैं पता नहीं क्यों इसके पापा की जैसे ना इसकी जैसे स्किन है तो इस पर भी बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और बिल्कुल है ना गिली हो जाती है ये भी पसीने से तो मैंने बहुत समझाया लेकिन ये तो माने वाली नहीं है तो जिस खैर कोई बात नहीं फिर एडजस्ट तो सारी चीज़ें ना हमें करनी ही होती है और फाइनली ना लास्ट में मेरी जो बर्फी है मतलब दूध है जो अच्छे से मतलब ये घाड़ा वगैरह हो गया था और उसके बाद मैंने ना थोड़ी धीरे ना इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने देखा तो अच्छे से ना ये ठंडा हो गया था और फिर ना मैंने इसको प्लेट में जमा दिया था और इसी बीच में क्या ना सैटरडे था तो मंदिर में गई थी एक बार शाम को टाइम पे फटाफट भाग भाग के और इतना मैं आई ना तो ये जो ये बर्फी का जो टेक्सचर ना मतलब ये ठंडा भी हो चुका था है तो फिर मैंने इसको प्लेट में जमा करके रख दिया था फ्रिज में ताकि अच्छे से ना ये जम जाए और साथ ही साथ ना मेरे को ना रात के खाने की भी तैयारी करनी करनी थी ना मतलब तो इस वजह से बस मैं लेके बैठ गई थी आटा छानने के लिए टंकी में से तो चलिए फटाफट से अपना आटा वगैरह लगा लेते हैं और ये दोनों तो बस ऐसे ही इनका चलता रहता है ये बैठे थे मेरे पास दोनों बच्चे और लड्डू को ना मतलब बच्चों को होता ना सब्र नहीं होता तो बस इनको ये था ना कि मम्मी ने चीज बनाई है मम्मी ने चीज़ बनाई है बस खाना है इसको खाना है इसको तो ये बोल रहा था मम्मा दे दो मेरे को खाना है मम्मा दे दो मेरे को खाना और मैं बस इसको रही थी बेटा गर्म अभी ठंडी होने थी तब दूंगी लेकिन इसको ये था कि मम्मा अभी चाहिए मेरे को दे दो बस मेरे को ना खाना है तो बस इसने ना फिर मैंने इसको समझाया बेटा एक बार मिंट आटा तो लगा लो तो मैं ना बस यहाँ पे ना आटा वगैरह लगाने में लगी हुई थी तब बस जैसे ही आटा लगाया मैंने हाथ वगैरह धुले और फिर बोला मम्मा दे दो बस अब तो सबर नहीं हो रहा तो फिर इन मैंने इसको बस दे दी थी बिना मतलब जमी भी नहीं थी ये मतलब ऐसे ही थोड़ा सा फिर मैंने इसको ऐसे ही दे दिया था क्योंकि बच्चों की जिद के आगे ना फिर हारना भी तो पड़ता है ना जी बस इस वजह से बस मैंने इनको दे दी थी और आज के ब्लॉग में बस आप लोगों से मैंने इतना ही शेयर कर पाई हूँ अब मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ तो बाय टेक केयर राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम